दिल दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं एक बार। तो एक बार कैमरे का फोकस करना, ऊपर व्यूज दिखा दो। ये आउटसाइड एरिया में दिस इज माय पिक, और ये बेसमेंट में है जी। चलिए ओवरऑल वगैरह टाइमिंग्स वगैरह के लिए दिखा रखा है, जैसे कि लाइटिंग वगैरह की आगे होती है। और ये बेसमेंट में है जी, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मेरी जिम का ये नाम है जो मैंने बाहर लगा रखा है, और बाकी मैंने कुछ थॉट लिख रखे हैं यहाँ पर जो मैंने अपने खुद से डिजाइन किए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिस जो मेरी जिम का है, एंड आगे बढ़ते हैं। सब मैट्रिक सिस्टम प्रॉपर तरीके से लगा रखा है, आप देख सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग करते हैं। एक बार आप पूरे जिम को एक बार सर्वेस कर लीजिए प्रॉपर। सो नाउ यहां से मैंने स्टार्टिंग कर रखी है जिम की। ओवरऑल ये वेट सेक्शन एरिया है जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पर। ये साइकिलिंग वगैरह यहाँ पर है, फ्री स्पेस दे दिया था। ये लेग प्रेस की मशीन मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रखी है, और एक बार यहाँ से जो है प्रॉपर आप ले लीजिए कैमरा मैन। तो ये जो है ओवरऑल ये स्मिथ मशीन से लेकर स्टार्टिंग से सारा पॉइंट मैंने जो कवर किया है वो सारा वेट सेक्शन में किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट की तीनों मशीन अवेलेबल है, और आपका जो है बटरफ्लाई की भी अवेलेबल है, और लेग प्रेस लेकर भी वहां पर अवेलेबल है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। वेट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है मेरी जिम में, और जैसा कि आप देख सकते हैं वेट सेक्शन पूरा भरा हुआ है, और डंबल से पूरी रैक भरी हुई है। और अभी कुछ डंबल मैंने लॉकडाउन की वजह से दे दिए थे, तो अभी गए हुए और भी आ गए हैं। और मुझे थोड़ा मॉडलिंग का शौक है, तो ये फोटो भी मेरा लगा हुआ है, और यहाँ से सारा जिम कवर कर सकते हैं आप। तो वो है आपका टॉयलेट, और ये सीसीटीवी फुटेज से पूरा जिम कवर्ड है। और ये अल्कलाइन वाटर है, जैसे कि आप जानते हैं लोग नॉर्मल पानी पिलाते हैं, मैं अल्कलाइन पिला रहा हूँ जिससे कि लोगों को ज्यादा मतलब ठीक लगे, ऑलमोस्ट वो अच्छा होता है पानी। ये चेंजिंग रूम है, और ये आपका स्टोर रूम है। एंड इस जीने को मैंने यूटिलाइज किया था जब मैं इस जिम को बना रहा था, तो ज्यादातर गर्ल्स आउट वहां पर जो है अपना वो करते थे, स्टेयर्स अप डाउन करते थे, तो मैंने इसको यूटिलाइज करने के बाद मैंने इसको पूरे यूज में ला लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से बन गया है। एंड ये लॉकर है जो आप देख सकते हैं। एंड पता नहीं लोग अपनी जिम में एक टायर रखते हैं, दो दो टायर रख रखे हैं फ्लिप करने के लिए, एक फैमिली के लिए रख रखा है। और ये लाइक स्लाइडिंग मशीन है जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये प्रॉपर जो है ये ओवरऑल क्रॉसफिट एरिया मैंने खाली छोड़ा हुआ है, जिससे कि लोग बार जुम्बा और आपका कार्डियो एंड कोई भी अगर फ्री वेट एक्सरसाइज करनी हो तो वो कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी चीजें जो है लोग मैनेज करते हैं कि भाई स्पेस नहीं होता जिम के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग करते हैं। और यहाँ पर जो है अभी टू ट्रेडमिल्स अवेलेबल है, और एक क्रॉसफिट अवेलेबल है। क्रॉसफिट अभी तीन दो और आएंगे क्योंकि मैंने उनको ऑर्डर दे रखा है, तो मे बी शायद दो या तीन दिन के अंदर वो भी आ जाए, तो उस सेक्शन में लगे। सो नाउ गाइस बढ़ते हैं अपने वर्कआउट की तरफ, और आज का जो वर्कआउट है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। होप यू गाइस कि आप सभी को जिम बहुत अच्छा लगा होगा, तो चलिए कुछ वर्कआउट भी कर लेते हैं आज। तो आज जो है सेकंड डे आपके लोअर एब्स का, तो पहले एक्सरसाइज हम करेंगे वो है रिवर्स बेंचेस। तो गाइस उसके लिए पहले पोजीशन क्या बनानी है आप सभी को पता है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं वर्कआउट। तो सबसे पहले आपके रिवर्स बेंचेस के लिए अपनी पोजीशन को पहले प्रॉपर क्रिएट करना होगा लाइक दिस। आपको लेग्स आपको अप रखने हैं, और आपके जो हैंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नीचे रहेंगे, तो आपको प्रॉपर ये लेकर चलना है। ओके, सो नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो गाइस इस तरीके से आपको रिवर्स बेंचेस करने हैं। तो इस पहले सेट के आपको तीन सेट निकालने हैं। तो पहला आएगा आपका 12 रेपिटेशन का, दूसरा आपका 15 रेपिटेशन का, और तीसरा आपको लेना है 20 रेपिटेशन। तो गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे सीजर। तो सीजर आपको करनी किस तरीके से ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा। ओके, बट एक बार पोजिशन पर आपको प्रॉपर ध्यान दे लीजिएगा। तो आपको सीजर के लिए प्रॉपर जैसे कैची चलती है लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। सो गाइस सीजर के आपको प्रॉपर तीन सेट निकालने हैं।
तो पहला सेट आपका सीजर का आएगा 20 रेपिटेशन का, दूसरा आपको 30 रेपिटेशन का लेकर चलना है, और तीसरा आपको लेना है 40 रेपिटेशन का। और अगर आप मास्टर लेवल पे काउंट करना चाह रहे हैं तो आप 50 तक भी जा सकते हैं और 60 तक भी जा सकते हैं। सो गाइस थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे लैग रेस। तो आपको लैग रेस सभी को करनी आती है जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो लैग रेस के लिए आपको प्रॉपर 30 डिग्री अप करने हैं लेग्स, आपको हैंड्स आपको इस तरीके से नीचे रखने हैं। तो आपको प्रॉपर इस तरीके से करना है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो गाइस इसके आपको प्रॉपर 3 सेट निकालने हैं। तो पहला सेट आपका आएगा 12 रेपिटेशन का, दूसरा सेट आपको 15 रेपिटेशन का लेकर चलना, और तीसरा सेट आपको लेना है 20 रेपिटेशन का। और अगर मास्टर लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो आप उसमें 25 रेपिटेशन भी काउंट कर सकते हैं और 30 रेपिटेशन भी काउंट। गाइस फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे पल्सर। तो आप सभी को मैंने एक्सरसाइज करा रखी है ऑलरेडी, बट आप पोजिशन पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो आपको प्रॉपर जो लेग्स हैं अपने, हैंड्स आपके नीचे रखने, लेग्स आपको पूरे आप रखने इस तरीके से, तो 90 डिग्री तक जानी चाहिए प्रॉपर इस तरीके से। तो आप यहाँ पर जो है आपको या तो टाइमर से चला लीजिएगा लाइक 30 सेकंड इस तरीके से, या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं। तो आपको काउंट करना होगा 100 तक, मैं काउंट भी करूंगा जिससे ज्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, जिससे आप शॉर्ट में ज्यादा समझ सकें। तो यहाँ पर जो आपको पूरी स्पीड रखनी लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है और अपने काउंटेशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं आपको बताया था कि आपको किस तरीके से करनी है एक्सरसाइज। तो आपको ये होल्ड करके रखनी है इस तरीके से। तो आपको पहले 30 सेकंड करना है, दूसरी सेट आपको करना है आपको 40 सेकंड का, और तीसरा सेट आपको करना है 60 सेकंड का। और अगर आप काउंटिंग के हिसाब से चलना चाह रहे हैं तो आप काउंटिंग में ले सकते हैं इसको। आप पहला आप 100 काउंट कर लीजिएगा, दूसरा आप 120 काउंट कर लीजिएगा, तीसरा आप 150 काउंट कर लीजिएगा। और मास्टर लेवल के लिए आप जितना ऊपर जा सकते हैं तो बेटर है आपके लिए। सो गाइस लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 22 सेकंड क्रंचेस। तो मे बी आप सभी को एक्सरसाइज पता है, बट पोजिशन पर हम ज्यादातर गलतियां कर देते हैं, तो आपको उसी पर ध्यान देना है, ओके। आपको प्रॉपर लेग्स पहले अप रखने इतने, और उसके बाद हैंड्स आपके यहाँ होंगे। तो लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो गए इस तरीके से आपको 22 सेकंड क्रंचेस करने हैं। और आपको बता दूं गाइस इसकी जो रेपिटेशन आएंगी, तो पहले आपको 20 रेपिटेशन काउंट करनी है, लाइक ईच लेग पर आपकी 10 रेपिटेशन आएगी, लाइक जब आप क्रंच करते हैं तो बोथ लेग पर आपकी 20 रेपिटेशन आएगी। तो आपको पहला 20 का सेट लेना है, दूसरा आपको 30 का लेना है, तीसरा आपको 40 का लेना है। मास्टर लेवल के लिए आप 50 तक भी जा सकते हैं। एंड होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।